शिव को संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम
संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम होता Thank you.
जिसने भी शिव को गुरु मानकर अपने मन की जिज्ञासा तीन सूत्र के बल पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी का दया भाव से प्रकट कर दिया, बाबा और रामदानी पशुपतिनाथ जी उसकी सर्व मनोरथ पूर्ण कर गए हैं। महेश्वर शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, समझने का फेरी है। जिसने भी शिव को गुरु माना, जिसने भी दिल से महादेव को याद किया, उसकी हर इच्छा को पूरी है। आइए भजन गुरु के सिर चल मेरे लिए।
आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज से 7.5 साल पूर्व मैंने शिव को अपना गुरु माना था। उस समय में मुझे ये अज्ञात नहीं था, लेकिन साहब के आशीर्वाद से शिव गुरु चर्चा परिचर्चा में चलते चलते आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा साहब हरिंद्रानंद जी महादेव गुरु का, जो मुझे इस लायक समझा है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से सभी गुरु भाई गुरुबानाओं को मंच पर आने का न्योता दूंगा। जो गुरु भाई या गुरु बहना नहीं मिल सके, इसके लिए दुख मानने की बात नहीं होगी। गुरु की दया आप पर है। इस भाव के साथ आज की यह शिव गुरु चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम आगे की ओर ले जाने के लिए साहेब हरिंद्रानंद जी, दीदी इनम आनंद जी के चरणों में महागुरु महादेव को असीम दया से उनकी दया भाव को लेते हुए शिव भाव में शिव गुरु चर्चा परिचर्चा का आप सभी साथ देंगे, ऐसा मन में आशा और कामना है। आगे गुरु की दया, साहेब दीदी का आशीर्वाद। चलिए भजन का ही एक कर्म जारी करते हैं। परमेश्वर साहब जय बाबेश्वरी। अनुरोध होगा कि आप मंचासीन हो एक गुरु भजन के लिए।
दीदी को प्रति कस्त भाव शिव ने गुरु मानेर के अनुभूत गर्नुभएको छ यसमा विचार गर्नुहोस् धन्यवाद गुरु म शिव शिष्य बनाएर मेरो के अनुभूति भयो भन्ने विषयमा चाहिँ र अब शिव निलम दिदी सतीश रूपा भगवती निलम दिदी उपति मेरो कस्तो विचार छ भन्ने विषयमा चाहिँ म छुट्टै मैले आफ्नो विषय राख्न गइरहेको छु म शिव शिष्य हुनुभन्दा पहिला मेरो आचरण यस्तो खराब थियो तपाईँहरूले अब भला नगर्ने होला हाम्रो आफ्नो अनुशासनलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा गुरुको पाठशाला हो एउटा हामी शिष्य हामी गुरुको पाठशालामा हामी आएका छौँ हामीहरू यहाँ हामीले केही कुरा हामीले सिक्नुपर्छ सिक्नु लागि हामी अनुशासनमा हेर्नुपर्छ हाम्रो दाजुले के भन्नुभएको छ भने जब पनि चर्चा हुन्छ भनेदेखि त्यो चर्चामा एउटा सियो फसो भने पनि सियो टक्रेको आवाज अहिले सुन्नुहोस् भने चाहिँ उहाँले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीलाई चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँले त्यस कारणले जब पनि चर्चा हुन्छ भजन हुन्छ भनेदेखि त्यसमा हामीहरू जो उठेर हिँड्ने बोल्ने त्यस काम कृष्ण हामीले गर्यो भन्दैन यो कुरो चाहिँ गुरुले चाहिँ बन्द गरिरहनु हुन्छ उहाँले अनि उहाँले मलाई उहाँले चर्चा लगाएको बेलामा अनि म शिव शिष्य बने शिष्य पनि शिष्य बसेपछि मलाई यति आनन्द आयो मलाई यति पढेर आयो मलाई पछि पढेर पनि आयो मलाई आठ यति पढेर पनि आयो म जहाँ छु अब मलाई कति अब शान्तिको कुरा के गर्नु है तर शान्तिको कुरा मिलाएर आऊ अन्त मेरो चाहिँ बाली बिरुवा लक्ष्य भयो मेरो व्यवसाय पनि एकदम राम्रो कोठी भयो मेरो अब मेरो जग्गा म कृषक म ज्यादा नै हो अब मेरो जग्गा बढी थियो कुनै किसिमको उब्जनी हुन्थेन अनि मैले यसो त्यहाँ लगाइसकेपछि उब्जनी भइहाल्ने राम्रोसँग गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुने र त्यही किसिमले गर्छ भनेदेखि अनि त्यहाँबाट पनि मलाई जस्तो भने एकदम राम्रो उब्जनी भइहाल्ने त्यस खेतबाट अब पशुपालन गर्दा पनि त्यस्तै व्यापार गर्दा पनि त्यस्तै लाभ खेती गर्दा पनि त्यस्तै लाभ जागिरमा पनि त्यस्तै लाभ कति यात्रा गर्ने गयो त्यतिकै लाभ त्यस्तो मलाई पढाइमा आयो क्या मलाई अनि मैले के सोचेँ मलाई त पढाइमा आयो अनि म उहाँको यस्तो आफूलाई आफूले आएको पढाइमा आएर मलाई अरू पनि भन्न डर लाग्छ म भन्दिनँ किन भन्दिनँ भनेदेखि फेरि यो पढाइ मलाई ल्याउनु हो कि म त्यस्तो मलाई डर लाग्छ तर वास्तवमा त्यो होइन तपाईँलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्छ भनेदेखि तपाईँले भन्नु दाजुलाईसँग तपाईँले सतीश्वर त भगवती निलम दिने तपाईँलाई सम्झाउनुहोस् तपाईँलाई दया ल्याउनुहोस् तपाईँलाई के आउँछ तपाईँलाई पढ्न तपाईँलाई के आउँछ तपाईँ आफै विश्वास गर्नु होला यस्तो रहेछ क्या यसमा हामी अब शिव शिष्य शिष्य होइन कुनै किसिमको त्यस्तो बाधा अवरोध सबै आफै घटेर जान्छ अब आन्दोलन चाहिँ खाइँदैन उहाँ गुरुले छुट्याउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ गरिँदैन त्यो सबै गुरुले पछाडिदिनुहुन्छ त्यस्तो हुँदो रहेछ हामी अब लौकिक गुरुबाट हामी जाने भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई सानो लगाइन्थ्यो तिमी यस्तो गर तिमी ज्यान्सी नगर तिमी यस्तो पेसा गरेर यो पेसा नगर भन्ने लौकिक गुरुले चाहिँ हामीलाई नियम लगाउँथ्यो तर उहाँ त जगतगुरु हुन्छ परवाही गुरु हुन्छ साक्षात पर परमात्मा हुन्छ धन्यवाद बहुत सारो कुरो गुरु भाइले गरेर जानुभयो भौतिक शरीर र अभौतिक शरीर के हो अब गुरुको चर्चा नै अगाडि बढाउँ नारद गुरु भाइ महोत्री जिल्लाबाट आउनुभएको छ म दूर दूरको गुरुभाइ गुरु बहिनाहरू आउनुभएको छ
वहाँ को मुखर बिंद बाटी कई कुछ हमें सीखने प्रयास करूँ। हमी शिष्य हौ, हमी सीखने प्रयास में छो, सीखने प्रयास कर समय सीमा 7 मिनट, समय सीमा 7 मिनट। वास का जिज्ञासा छ, कम्बल लगाएर पनि हामीले माछ मछली अंडा खान्छौं, इसमें यम नियम को पालन किन छैन? इसमें जवाब दिनुहोला। कम्बल लगाएर हामीले खानपान को यम नियम को पालन किन गर्दैन? इसमें जवाब दिनुहोला। समय सीमा 7 मिनट। हमारा शिक्षण वर्गलाई नै जिज्ञासा गर्छु र शिवगुरुको चरणमा प्रणाम गर्दछु र हरेक भैयाको चरणमा प्रणाम गर्दछु। शक्ति सेवा निगमको चरणमा प्रणाम गर्दछु। जति छिटिएर बस्नुभएको छ चारौँ दिशामा गुरु भाइ गुरु बहिनीहरूलाई पनि म प्रणाम गर्छु, मेरो प्रणामलाई स्वीकार गर्नु। र उहाँले भनेको जिज्ञासा यो माछा मासु 12 जनाको पनि बाँधेर खानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर यो जिज्ञासा उहाँले दिनुभएको छ। यो माछा मासु भनेको परम्परादेखिको चलेर आएको छ। यसलाई के भन्छ भने माछा मासु खाएर शिवलाई गुरु नमान्ने पनि भनेको छैन। शिवलाई गुरु मान्न सकिन्छ, जहाँ जीव छ त्यहीँ शिव छ। शिव त निराकार हो, नखाएर भन्दै भन्दैन। तर यो आत्मा कि परमात्मा के भनेको छ भने जब आत्माले माग्छ भने त्यो कुरालाई प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हामीलाई पाप लाग्ने, पाप लाग्छ। अब आत्माले माग्छ भने हामी आत्माले माग्दैन भने नखाने खाएर के हुनेछ? अरूहरूमा मिया मिस्टेकहरू विभिन्न किसिमको दुधहरू फलफुलहरू खाने त्यसमा ताकत छ। त्यस कारणले गर्दा नखाँदै म भन्ने त खाएर ठुलो मान्छे के हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँले जो भन्नुभएको छ माछा मासुको बारेमा 12 जना चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण शिवले पनि के भनेको छ भने एउटा पोखरीमा मछली छ त यही शिवले भन्छ कि गएर त्यसलाई पक्रि, त यही शिवले फेरि भन्दैछ त्यसलाई पक्रेर काग भन्दैछ, यही शिवले भन्दैछ त्यसलाई भुज, यही शिवले फेरि त्यसलाई खा भन्दैछ, त कसै पारा नगर। त्यस कारणले गर्दा यही कुरा उहाँले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो र उहाँले दिएको जिज्ञासा पनि यही हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले धेरै झन्झट गर्नु छैन। उहाँले समय दिनुभयो 7 मिनट, यहाँ मैले घडी हेरिराखेको हुन्छ। यो घडीको समय उहाँले दिनु पनि बडा राम्रो छ, किनभने धेरै गुरु भाइ धेरै गुरु पनि आएर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 2 शब्द बोल्नु पाउँ। त्यस कारणले गर्दा हामी आउँदा टाढामा आएको छौँ, यो जति बोले पनि अमृतै बाँध्यो, तर 3 सूत्र माध्यममा छौँ हामी। 3 सूत्र आज हजारौँ सूत्र जब यो महात्मा लिनुभयो हाम्रा बडा दाजुले सकि सकि दिनुहुन्छ, त भने यही नै अमृत छ। हामीलाई राति जान्छौँ कहिले झारखण्डमा जान्छौँ कहिले कहाँमा हामी जान्छौँ कि अरे 3 सूत्र गरौँ, 3 सूत्र हामीले दिए अनि तोयो। त्यही 3 सूत्र माध्यममा हामीलाई उहाँ गएपछि उहाँले भन्नुहुन्छ त्यही 3 सूत्र गरौँ, जाउँ पाँच आखर कहाँ कहाँ शिव शिक्षे बनेको छैन त्यहाँबाट बनाऊ भनेर उहाँले त्यो जिज्ञासा लेख्नुहुन्छ। त्यहाँ उहाँलाई भेटै गरेर जान्छ। त्यस कारणले 3 सूत्र गरौँ। 3 सूत्रमा के गर्ने त दया नै हुनु पर्यो। दया छैन भने तपाईँले जुन सोध्नुहुन्छ त्यो काम केही पनि बन्दैन। यो के हो, तपाईँले सोधेको कामलाई दया हुनु पर्यो, दया माग्नुहोस्। यस्तो ताले तपाईँले दया गर्नुहोस् कि हे शिव गुरु हजुर नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मेरो गुरु भनेर आफ्नो गुरु बनाउनुहोस्, त्यो शिव गुरुलाई आफ्नो गुरु बनाउनुहोस् त दया माग्नुहोस् कि यस्तो 26 फोटो गरी उहाँले दया गर्नुहुन्छ है, कोही वर्ष जस्तो तपाईँले दया गर्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दा दया भनेको ठुलो कुरा, दया भावनाले केही काम हुँदैन। र दोस्रो सूत्रमा देवादेव महादेवको चर्चा गर्नुहोस्, एक अर्कालाई सुनाउनुहोस्। सबैका सवारी एक अर्काका शत्रु हुन् फरक छन् तर सबै एक हुन् र हाम्रो यो
शिव गुरु आध्यात्मिक र वैज्ञानिक परिचर्चामा पनि कुनै जातको छैन, कुनै धर्मको छैन, कुनै या परिवारमा छौ भने सबै एक अर्काका मित्र हुन्, एक अर्काका साथी हुन्, एक अर्काका गुरु भाइ र गुरु बहिनीका नाता छन्। चाहे हिमालमा होस्, पहाडमा होस्, तराईमा होस्, जहाँ भए पनि हाम्रो गुरु एउटै हो र उसमा चाहिँ पावर छ, शक्ति छ। जति फरक भए पनि सबै एक छन्। त्यसरी नै तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा गएर जुन हाम्रो दोस्रो सूत्र हो, सूत्रादेश हो, त्यसलाई पालन गर्नुहोला। र जुन म यो काठमाडौँको पुण्य नगरीमा जुन बाँकी शिव शिष्य घोषणा हुन बाँकी छन्, उहाँहरूमा शिव शिष्यताको बिउ अङ्कुरण होस्, यही इच्छा र आशाले अहिलेको लागि म आफ्नो दुई शब्द गुरुको चरणमा, साहब दिदीको चरणमा केही क्षणको लागि विराम गर्दै पुनः सबैमा मेरो प्रणाम। शिवको शक्ति भगवती हो, कसरी जगत भैया धेरै छ। अब यहाँ गुरु मन्त्र हो, हाम्रो मन सञ्चालक श्री शङ्कर दाईले भन्नु हो, यो मेरो जिज्ञासा होइन, पहिला त जिज्ञासा बुझ्नु पर्यो कि जिज्ञासा कसैको होइन। जिज्ञासा पनि गुरुकै हुन्छ र जवाब पनि गुरुले नै दिन्छ। त्यो उहाँको इच्छाले हो, हाम्रो तपाईँको इच्छाले केही भएको छैन, केही हुने पनि छैन। जहाँ हामी यो गुरुको पण्डामा बसिरहेछौँ, गुरुको घरमा बसिरहेछौँ, गुरुको सेवामा बसिरहेछौँ, यही हामी हामीहरूको लागि जन्मे सौभाग्यशाली हो। हामी सबै सौभाग्यशाली हौँ। यो सौभाग्य कसैलाई चार युगमा कसैले पाएको थिएन, जो आज हामीहरूले जो शिवगुरुबाट पाएको हुँ, उहाँको दयाले पाएको हुँ। यो धरतीमा आएर जन जन्मान्तर नपाएको कुरा यहाँ आएर पाएको हुँ, यही हाम्रो सौभाग्य हो। यो जिज्ञासा को लागि हामी सबै फ्री छौँ। यहाँ जति पनि हाम्रो गुरु भाइ बहिनी आउनु भएको छ, सबैको लागि यहाँ खुला मञ्च हो। यो गुरुको मञ्च हो, यो कसैको मञ्च होइन, यो गुरुको मञ्च हो। मञ्च सञ्चालक गुरुको मञ्चको सञ्चालक हुनुहुन्छ, शिव गुरुको मञ्च हो। यो परम गुरु हो, महागुरु हो, गुरुका गुरु हो। अब यसको बारेमा त भनिराख्न त कसैमा यो सामर्थ्य छैन, ममा त कुरा छ। यहाँ ध्यानको अभाव छ, हामी सुन्नको आए, सुन्नको लागि आइपुगेको। आज मौतरीबाट हामी यो चर्चाको लोभले आएको होइन। यहाँ हाम्रो जति भाइ बहिनी अहिलेसम्म चाहिँ हामी मेरो अगाडि आँखा अगाडि पर्नुहुन्छ, त्यो नै मेरो लागि सबै थोक हो, मेरो खुसी नै त्यही हो। त्यति मात्रै छ कि त्योभन्दा पनि बढी होला, त्यो मैले पढाइ लेखेको छैन, त्यसले मलाई योभन्दा अलि। तर सबैमा शक्तिको पनि छ, शिव छ त शक्ति पनि छ। जबसम्म शिव वर्तमान हुन्छ तबसम्म शक्ति सञ्चालित हुन्छ, शिव हटेपछि शक्तिको कुनै काम रहेर हुँदैन, केही काम छैन। शिव ज्ञानी हो, शक्ति अज्ञानी हो। शक्तिमा ज्ञान छैन, अढाएको काम गर्ने हो। यहाँ हाम्रो अगाडि बत्ती बलिरहेछ, घर घर बत्ती बलिरहेछ,
शक्ति त छ तर संचालन गर्ने चाहिँ संचालनै गर्न सक्दैन त्यो बल्दैन त्यसमा शक्ति त छ बच्चाले छुए पनि पनि जान्छ बुढाले छुए पनि जान्छ कि समझ छैन आज यो संगति आज हामी यो शिव शिशु परिवारमा पाइरहेको छु किन विसङ्गतिको पनि मालिक हाम्रै गुरु हो संगति आस्थापनाको पनि हाम्रै गुरु हो निरयोगी समाज बनाउनेहरू कसैमा बाबर छैन यो बाबर हाम्रै यो शिव गुरुमा छ यदि त्यस्तो भइदिएको भए चाहे युगमा त्यो निरयोगी समाज बन्न सकेको बनिसकेको छैन तर आज हाम्रो भूमि बरकरार छ यो 34-35 वर्षको अवधिमा आज यो हाम्रो गुरुको चर्चा सुरुवात भएको छ यसमा हाम्रो भूमि पलाइरहेछ र निश्चितले विश्वास गरौँ हामी कि यो सङ्गतिको स्थापना हुन्छ 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 यति विश्वास लिएर हामी काम गरौँ गुरुको आदेशको पालन गरौँ दाजुजीको आदेशको पालन गरौँ यति भन्दै अरू गुरुको बानीको तथ्याङ्कको लागि गुरु मित्रहरू विराम गर्दै उपस्थित सारे भाइ बहिनी श्री भक्ति प्रेमी सबैको चरणमा पुनः गुरु प्रणाम निर्मला थापा पुष्पा थापा तारा अधिकारी शैलेन्द्र अधिकारी ज्योति पौडेल आशुतोष पौडेल यो जीवात्माले आजदेखि अहिलेदेखि यो क्षणदेखि जगत गुरु शिवलाई आफ्नो गुरु बनाउनु भएको छ यो सूचना वरण गुरु ग्रन्थ साहब हरिन्द्र दादाले दिँदै अन्तरिष्ठको अनन्त अनन्त साम्राज्यमा सम्प्रेषित गर्दछ कृपया उहाँहरू शिव शिष्य शिष्यको रूपमा दर्ज हो ना
संगीता गुरुजी सिन्हा मंगल मंच सिन्हा शहर में आपके हर मतलब के
चाल चलन में वो गुरु जो है परिवर्तित कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। अभी बीरगंज से आ रही हैं हमारी उषा दीदी, बीना दीदी लोग आ रही हैं, सुनेंगे बीरगंज में भी गुरु की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से, गुरु की दया से घर की बहू लोग को, बहने लोग को, भाई लोग को निकालने का प्रयास गुरु की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से किए। आज गुरु की दया से बहुत अच्छा है बीरगंज, प्रसाद जिला पड़ेगा, बहुत अच्छा है। देखिए एक आदमी ने हमसे जिज्ञासा रखा, सुदर्शन जी महाराज का स्कूल है आपके बिहार में, दिल्ली है, बम्बे, कानपुर, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका बहुत बड़ा बड़ा स्कूल है। 3 तारीख को चर्चा में जिज्ञासा रखा था कि अगर आप शिव के शिष्य है तो 40 साल पहले कुछ ऐसी बातें था, लेकिन आप शिव के शिष्य है, कुछ मेरे साथ में हुआ है, अगर आप अगर कुछ अगर रिहाइव कर देते तो हम शिव को अपना गुरु मान लेते। हाल की बात है, ये गुरु मंच है, जो भी हमारे बहने लोग आएंगे, भाई लोग आएंगे, एकदम सत बात बताएंगे। यानी कि 36 लाख का मीटर है, ये मन का खेला है, भाव का खेला है, चेला तो मन बना है, और जब मन बना है तो ये सारा खेला भाव का है। आज कितना प्रेम है गुरु की दया से, कहाँ से हमारे भाई लोग, कहाँ से हमारे बहने लोग आई है, आज गुरु की दया से देखिए कि एक बंधन में बांध दिए साहब रिकॉर्ड जी। कहना तो नहीं चाहिए भाई बहन, आज प्रेम का ये फूल खिला है। तो आज साहब हरिंद्रण जी के माध्यम से जो हमारे भाई हैं, बहने हैं, जो मानी हैं, वो समझ जाते हैं, समझते हैं इस बात को। जब शिव मेरे गुरु नहीं थे, आपके भी गुरु नहीं थे, उस समय का स्थिति और परिस्थिति देखा जाए, और अभी आपके भी गुरु बाबा पशुपति नाथ जी हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, तो आज भी अभी इनकी स्थिति देखा जाए, कितना प्रेम है, कितना शक्ति है, कितना अच्छा है। ये सारा खेला मन का है भाई बहन। आप जो है साहब के माध्यम से शिव को अपना गुरु माने हैं, तो आप दया मांगे, उनका चर्चा करें, अपने गुरु को प्रणाम करने का कोशिश करें। अभी साहब का बहुत ज्यादा इस पे जोर है, जो हमारे बहने लोग 3 सूत्र करती हैं, तो कम से कम नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें तो करें। साहब का ये विशेष इस पर ध्यान है, इतना हम आप चाहते हैं। अच्छा प्रणाम नहीं करेंगे तो मन नहीं समझेगा, ये सारा खेला 3 सूत्र में भी है। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत तो हमारे सारे दूर दराज से भाई लोग आए हैं, समय हम भाई बहन को अपना विचार अपना समझ होना चाहिए, समय अभाव है। गुरु की दया से गुरु का वाणी गुरु के चरणों में रखते हुए आप सबों की पावन चरणों में मेरा प्रणाम। जब ये सृष्टि नहीं थी, जब सूर्य नहीं था, जब चंद्रमा नहीं थी, उस समय में भी एक शक्ति थी, उस समय में भी एक शक्ति थी, जो शक्ति का नाम काली, जो शक्ति थी वह थी काली। लेकिन काली को शक्ति तो थी, जिस प्रकार हाथी को, जिस प्रकार हाथी को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता है, हाथी को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, काली को भी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। काली ही एक ऐसी भगवती है, एक शक्ति है जो अघोर है। अघोर का मतलब कोई हलचल नहीं है, क्योंकि यह जग सृष्टि नहीं हुआ तो हलचल होगी कैसे। यह जग सृष्टि नहीं था तो हलचल होगी कैसे। और जितने भी देवी हैं सब घोर हैं, क्योंकि वह शक्ति के बाद, शिव की इच्छा के बाद जो शक्ति बनी वह सभी घोर कहलाई। लेकिन एक काली है जो शिव की शक्ति है, शिव ने उस
शक्ति को पहचाना, शिव ने उस शक्ति को पहचाना और उसको यथा स्थान दिया। इसके बाद यह कहा गया या शक्ति शिव शक्ति, इस धरती पर जितनी भी शक्ति है ये सारी शक्ति शिव की शक्ति है। इसीलिए शिव के बारे में कहा गया है कि शिव शक्तियों से जाने जाएंगे। जैसे शिव हर शिकार हटा दीजिए सब हो जाएगा, सब का मतलब शून्य, और यह हम और आप शून्य से पैदा हुए हैं और एक दिन शून्य में ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि शिव की शक्ति, शक्तियों से ही शिव जाने जाते हैं। इसीलिए मां भवानी ने कहा है शिव के बारे में कि तुम्हें जानना समझना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है, आप जैसे भी हैं आपको बारंबार प्रणाम है। क्योंकि मां भगवती ने भी अपने शिव की शक्ति को नहीं जान पाया, इसीलिए शिव की शक्ति, शिव की इच्छा ही शक्ति कहलाई। हम आप ही इच्छा करते हैं, हमारा आपका इच्छा कारगर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम आप शरीर में हैं, हमारा आपका लगाव इस धरती से है, इस धरती के आकर्षण से है, हमको परमात्मा का दर्शन होगा कैसे, हम शिव को जानेंगे कैसे। इसी के लिए तीन विधा साहेब हरिद्वारानंद ने हमको आपको दिया, यह तीन विधा करने के बाद आपके मन वचन कर्म में शिव उतर जाएंगे और आप शिव की शक्ति को जान पाएंगे। आज जो भी गुरु भाई गुरु बहना इस प्रांगण में उपस्थित है, यह सभी उस दया में करुणा में दीदी माँ के आनंद और उत्साह के बदौलत यहाँ उपस्थित है। यह हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हम सबों का शक्ति दीदी माँ है, जिसने अपने जीवन यापन में गुरु कार्य किए और अभी भी गुरु कार्य उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। हमारे आपका कोई शक्ति नहीं है, हम आप अगर 60 किलो का है 80 किलो का है, हमको आपको 90 किलो दे दिया जाए तो नहीं चल पाएंगे। यह इच्छा शक्ति दीदी माँ का है, जिन्होंने हमारे आपको दिल को समझाया है, मन को समझाया है, मन में शिव के प्रति आवेश जगाया है। इसीलिए कहा गया है कि यह शक्ति शिव शक्ति, इस धरती पे जो भी शक्ति है शिव की है, और उसी शक्ति के बारे में हम आप यहाँ जानने